अवे अभ्यास चार ए का पांचवा सवाल, कक्षा आठ सब समकाएं। तो देखते हैं पांचवा सवाल क्या कह रहा है। 2x + 1/2x = 5/2। तो 8x^3 + 1/8x^3 का मान ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है यहाँ देखो, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा 8, इसका मतलब 2 का घन क्यूब हो रहा है। यहाँ लिखा है x, यहाँ लिखा है x^3, इसका मतलब इसका घन कर दें। क्या कर दें? घन कर दें। तो लिख दोगे दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करेंगे क्या आएगा, 2x + 1/2x^3 = 5/2, यानी 5/2 की घात 3। क्यूब करेंगे तो इसका किससे करेंगे, a + b^3 से करेंगे। क्या आएगा, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b। ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ। इसके बाद के बाद बाकी शुरुआत के सवाल देखने हो तो इसका पार्ट ए देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, a³, ये आएगा। इसका मतलब ये a हो गया, ये b हो गया। a³ यानी कि 2x³ + b³ (1/2x³) + क्या आ जाएगा, 3a, a की वैल्यू 2x b (1/2x) ब्रैकेट में आ जाएगा a+b, यानी कि 2x + 1/2x = क्या आएगा, इसका क्यूब करेंगे तो करो, 5 का क्यूब कितना होता है, 125। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। अब देखो हम यहाँ क्यूब करेंगे, क्या आएगा, 2 का क्यूब कितना आ गया, 8x³, इसका करेंगे तो क्या आएगा, 1/8x³ + 2x, ये नीचे 2x, ऊपर ये कट गए तो कितना बचा, 3। यहाँ पर ये देखो 2x + a^1/2x की वैल्यू कितनी देगी शुरुआत में, 5/2, यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 5/2 = आ गया 125/8। अब क्या करेंगे, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको यहीं रख लेंगे, इसको गुणा करके उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, 8x³ + 1/8x³ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, 5 × 3 = 15/2 = 125/8। ये इधर प्लस का है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो क्या आ गया, 8x³ + 1/8x³ = 125/8। ये प्लस के थे, किसके हो जाएंगे, माइनस के, 15/2। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे इसका एलसीएम, तो इधर ले ले, उधर जगह नहीं बची, इधर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 8x³ + 1/8x³। क्या आ जाएगा एलसीएम इसका, आएगा 8। कितना आएगा, 8, तो यहाँ पर कितना है, 125, जैसा कि जैसा आ जाएगा। इधर कितना है, 2, इस 2 का भाग इस 8 में देंगे तो 4 बार जाएगा, जितनी बार जाए उसके इसके जो हर है इसके अंश में गुणा कर देंगे। यानी कि ऐसा मान लो इधर 8 है, इसको 8 बनाना है तो कितने गुणा हो जाएगा, 4 का, तो 4 का ऊपर कर दें, 4 का नीचे कर दें, बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 15 × 60, माइनस के 60, घटा दो, 5 में से 0 गया 5, फिर यहाँ 2 में से जाएगी, 12 में 6 गया 6 = 8 आ गया, यही आ गया 8x³ + 1/8x³ की वैल्यू, आंसर हो गया। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, a + b² (3a + b = 2). तो क्या करेंगे, a³ + b³ का मान निकालना है, जो इसका मान निकालना है तो इसका वाला इसका क्यूब कर दें। तो क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का क्यूब करने पर घन करेंगे तो क्या आएगा, a+b³, इधर इस 3 का क्यूब कर देंगे तो कितना आएगा, a³ + b³, इसको खोल रहे हैं,
प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी इजकल टू थ्री का क्यूब कितना आ जाएगा, तीन का घन 27 होता है। इसकी वैल्यू निकालनी, इसको कुछ नहीं करना है, इसको जैसे कि जैसा लिख दो, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस के 3। अब इसमें ये चीज़ और ये चीज़ हट जाएगी तो ए इंटू बी की वैल्यू कितनी दी गई, दो, तीन गुणा दो गुणा ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दी गई है, तीन, कितना आ गया 27। तो क्या करेंगे, ए की पावर 3 प्लस के बी की पावर 3, इसका मल्टीप्लाई करो, इसका इसके साथ जितना आ जाए उसका इसके साथ, तो क्या है 3 × 6 6 × 18 प्लस के 18 बराबर कितना आ गया 27। इस 18 को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 इज इक्वल टू 27 माइनस 18, तो कितना आ गया 27 से 18 गया, कितना बच गया 9, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 9। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, सातवां सवाल है 3x प्लस 2y बराबर 20, यानी 3x प्लस 2y बराबर 20 दिया गया है, और दिया गया है x इंटू वाई बराबर 14/9, तो 27x की घात 3 प्लस 8y की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें दिखाई दे रहा है ये 27 है ना, इसका घन है 3 का, ये 8 है ना, इस 2 का घन है, तो क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों का घन कर दें, तो लिख देंगे दोनों पक्षों का घन करने पर दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करेंगे तो क्या आएगा 3x प्लस 2y की पावर 3 इक्वल टू क्या जाएगा 20 की घात 3। इसका वही फॉर्मूले से इसको खोल दें, क्या आएगा ए क्यूब यानी कि 3x की पावर 3 प्लस बी क्यूब, ये ए हो गया ये बी हो गया, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी क्यूब बी का मतलब 2y की घात 3 प्लस के 3ab, a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू 2y, 3ab ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस बी यानी कि 3x प्लस के 2y इक्वल टू, इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 का क्यूब कितना आ गया 2 का, 2 का घन 8, अब एक जीरो है उसका घन कर रहे तो 3 जीरो आ जाएंगी, आ गई। अब देखो करना क्या है, इसका क्यूब खोलेंगे 3 का 27 एक्स क्यूब प्लस 2 का घन 8 वाई की घात 3 प्लस, अब इसमें गुणा करेंगे तो ये देखो अंकों का गुणा हो जाएगा, 3 × 9 9 × 18 एक्स वाई ब्रैकेट में 3, ऐसा करें यहाँ पे 3x प्लस 2y की वैल्यू कितनी रख दें, यहाँ ऊपर से 20 रख दो, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा हमारा 18x, इसका गुणा किए तो इसका आगे 20, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, यहाँ कितना आ गया 8000। अब आप क्या करें, इसकी वैल्यू पूछी गई है, सिर्फ इसकी वैल्यू रखनी है, वो दी गई 14/9, तो क्या आ जाएगा 27x की घात 3 प्लस के 8y की घात 3 प्लस के 18 गुणा एक्स वाई, यहाँ कोई भी साइन नहीं तो गुणा लग जाएगा, क्या आएगा 14/9 गुणा कितना आएगा 20 बराबर 8000, कुछ नहीं करना 9 × 18। अच्छा अब क्या आ गया, सॉरी 27 लिखा हुआ यहाँ पे, क्या आ गया 27x की पावर 3 प्लस के 8y की पावर 3, यहाँ गुणा कर लो 14 × 28, यानी कि 2 का गुणा 14 के साथ जितना आ जाए उसका 2 से, इनके मैंने कि 14 × 28 28 × 56 आ गया, एक जीरो थी तो जीरो आ जाएगा, बराबर कितना आ गया 8000। अब इसकी वैल्यू ज्ञात हो गई, ये उधर ले जाओ, बस क्या आ जाएगा, सॉरी 27 है, 27x की पावर 3 प्लस के 8y की पावर 3 बराबर आ जाएगा 8000 माइनस 560, घटा दो देखो, पहले से पहले घटाएंगे, जीरो आ जाएगा, फिर जीरो में से 6 जाएगा नहीं तो 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गया 4 आ गया, यहाँ कितना बचा 4, यही आ गया 27x की पावर 3 प्लस के 8y की पावर 3
कि जो वैल्यू आई वो आई 7740। यही आंसर हो गया। आठवां सवाल क्या कह रहा है कि दर्शाइए, यानी कि आपको वो दिखाना है कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, हैं? अच्छा, गणित की भाषा हम इसको लिखते हैं लेफ्ट, यानी देखो हम ऐसे खड़े हुए, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड, इसका मतलब ये राइट हैंड साइड हो गई और ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, हैं? तो हमको दिखाना ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, वो राइट हैंड साइड के बराबर है। हम क्या करें, राइट हैंड साइड ले लें, क्या ले लें, राइट हैंड साइड ले लें और इस राइट हैंड साइड को हल करें और ये वाली साइड आ जाए, यानी कि इसको हल करने पर अगर ये मान आ जाए तो ये बात सही है। ये देखो हम ऐसे खड़े हुए हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, क्या करना है वही इसको हल करेंगे, क्योंकि इसमें बड़ा विस्तार कर लेंगे, हल करके ये आ जाएगा, लेकिन हमको दिखाना ये बराबर है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, इस वाली साइड लेंगे और इस साइड को हल करके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर करना है। इसका मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए, तो ये सत्य। तो राइट हैंड साइड लें, राइट हैंड साइड कितनी है हमारी, देखो राइट हैंड साइड है 5 + x 5 प्लस एक्स की पावर 3 माइनस के 15 एक्स ब्रैकेट में 5 + x। क्या करें, यहाँ पे पावर 3 घात 3 है, तो इसको a प्लस बी का सूत्र लगा के सॉल्व करेंगे, करें सॉल्व करो तो क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब x की पावर 3, ए क्यूब 5 की पावर 3 प्लस क्या आ जाएगा 3 a b ब्रैकेट में a प्लस बी 5 + x। अच्छा, इसका ये विस्तार करके इतना आया, अब क्या ये माइनस का चिन्ह जैसा जैसा 15 एक्स ब्रैकेट में 5 + x, तो क्या आ गया, 5 का क्यूब किया कितना आ गया 125 प्लस एक्स क्यूब, इसका गुणा करो 3 × 5 = 15 प्लस के 15 x ब्रैकेट में 5 + x माइनस के 15 x ब्रैकेट में 5 + x। ये माइनस की ये प्लस की दोनों संख्याएं बराबर है, कट जाएंगी, बचेगा मेरा कितना 125 प्लस के एक्स की पावर 3। अच्छा, ये जो साइड आई वो किसके बराबर आई, LHS की, तो हमने दिखा दिया कि ये वाली साइड है दोनों बराबर है, अतः ये ट्रू है, सत्य है। जो देखो आठवीं नंबर सवाल के पहले पार्ट में किया तो वही सेकंड पार्ट में करना है, यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, उसको राइट हैंड साइड के बराबर करना है। तो हम क्या करें, RHS ले लें, RHS यानी कि इस तरफ बाई साइड, तो ले रहे हैं क्या आ गया हमारा 2a प्लस के 3b की पावर 3 माइनस 18 ab ब्रैकेट में 2a प्लस के 3b, तो क्या आएगा आपका, इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के रूल से, a प्लस बी की पावर 3 जो आपकी सर्वसंख्या होती है उससे लगाएंगे, क्या आएगा a की पावर 3 यानी 2a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, बी की जगह पर क्या आएगा 3b की पावर 3। देखो ये वैल्यू a की है, ये वैल्यू b की है, तो ये a जगह रख दिया, ये b रख दिया, प्लस 3a a की जगह पर 2a गुणा 3ab है ना, b की जगह पर क्या आ जाएगा 3b ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि 2a प्लस के 3b। अब ये तो इसका विस्तार इतना आया, अब क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह ये लिख देंगे 18 ab ब्रैकेट में 2a प्लस के 3b। अब देखो ब्रैकेट खोलो, क्यूब खोलो, 2a का घन कितना होगा, 2 का घन कितना हो गया 8a की पावर 3 प्लस 3 का घन कितना हो गया 27b की पावर 3 प्लस के, अब क्या करेंगे, गुणा करो 3 × 6, 3 का गुणा 2 में जितना आ जाए उसका 18 ab ब्रैकेट में 2a प्लस के
टू ए प्लस के तीन बी माइनस क्या आएगा 18 ए बी ब्रैकेट में 2a प्लस के 3b। हमने देखा ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों हैं बराबर, लेकिन एक प्लस की है एक माइनस की, इसका मतलब ये पूरा इससे कट गया, तो बचा मेरा कितना 8 a की पावर 3 प्लस के 27 b की पावर 3, और ये किसके बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के। आ गया सवाल, आपकी प्रश्नावली यहीं ख़त्म हुई। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल अवनीश गुरुजी को सब्सक्राइब करें।